हेलो फ्रेंड्स, श्री अंबिका विद्यालय, क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 1, फूड। वेयर डस इट कम्स, जो हम लोग जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है। इसके थोड़े पार्ट जो आगे का है वो धारा मैडम ले चुकी है और इसके बाद का सब मैं लूँगी। तो माय नेम इज़ हेमाली चांडेगरा एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन द फूड वेयर डज इट कम्स। So the food material and sources, it may be easy for us to guess the source of the sum of the ingredient that we gleaned in the table number 1.2. Fruit and vegetable from the instant, where did they come from? Plant cause and what are the source of the rice and wheat? You may have seen paddy or the wheat field with the row and then the row of the plant which give us the grain. And therefore, food item like milk, egg, meat, which come from animal. अब तुम लोगों को सिंपल ख्याल तो आ ही जाएगा। कभी कोई फूड देखा होगा या फ्रूट देखा होगा तो क्या होगा? अगर आपको पता चल जाएगा ये तो प्लांट में से आया है। अगर कहीं आपने चिकन देखा या फिर मछली देखी तो कैसा होगा? ये तो एनिमल है। कोई कोई चीज़ें हैं वो एनिमल से मिलती हैं, जैसे मिल्क है वो एनिमल से मिलता है। अगर अंडे की बात करें तो एनिमल से मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे ग्रीन्स है सारे, वो सारे किस में मिलते हैं? प्लांट में से मिलते हैं। फ्रूट है प्लांट में से मिलते हैं। वेजिटेबल्स हमारी है वो प्लांट में मिलते हैं। कोई कोई फ्लावर भी ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, जैसे हम गुलकंद का लें। अगर गुलकंद में क्या होगा? शुगर होगी। तो शुगर होगी तो शुगर कहाँ से मिलेगी? गन्ने में से, एज अ शुगर कैन हो ना हमारे पास, तो उसमें से मिलेगी। गुलाब है गुलकंद में, दूसरा क्या? गुलाब, तो वो प्लांट है। सो हमें ये पता चल जाएगा किसी भी इंग्रेडिएंट को देखकर कि वो प्लांट है, वो प्लांट में से आता है, या तो सोर्स ऑफ मेटल क्या है, उसका मेन सोर्स क्या है। कोई भी फूड है कहाँ से आता है वो हमें थोड़ा घना थोड़ा तो अंदाज़ा होता है। ज़्यादातर तो लोगों को पता ही होता है कि वो फूड खा रहे हैं वो कहाँ से आता है, उसका मेन सोर्स क्या होता है। कोई कोई फूड है जिसके बारे में नहीं पता होता, तो उसके बारे में जानना धीरे धीरे हमें पता चल जाता है। सो एक्टिविटी 3, अब इसमें एक लीची है कि सी, हैव यू सीन पैडी? पैडी मीन्स जो हमारे फार्म्स होते हैं, फार्म्स के अंदर जो पानी भरा होता है और वहाँ पे जो ग्रोइंग की प्रोसेस होती है उसे पैडी कहते हैं। और पैडी एंड वीट फील्ड, वीट फील्ड मीन्स जो गेहूं का खेतर होता है, जो फार्म होता है उसे फील्ड कहते हैं। विद द रो ऑफ द प्लांट, जो हमारा फार्म होता है उसमें हमेशा ऐसे तैसे कहीं बीज नहीं डालते, एकदम रो में एकदम सीधे रख के प्लांट डालते हैं। तो गिव द ग्रीन, दिस आर द फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। जो ये सारी चीज़ें की है गई है, मीट एंड वो सारी, वो कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से। जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन्स है, वो सारी कैसे मिलती है? प्लांट में से। सो सोर्स ऑफ मटीरियल। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्ट, सर्टेन ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रीडियंट एंड द रिसोर्सेज एंड द एग्जाम्पल आर शो इन टेबल नंबर 1.3 एंड ब्लैंक इन 1.3 एंड 4। ओके, फर्स्ट यहाँ पे दो पिक्चर दी गई है। पहली पिक्चर है रॉ फीड, जो हमारी जो पिक्चर है सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन, हमारी पैडी की पिक्चर है। एंड सेकेंड इज अ वीट ग्रेन इन अ ट्रांसपोर्ट, जब ट्रांसपोर्ट वीट ग्रेन मिल जाता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका है। और एक पैडी का फोटो है। पैडी मीन्स एकदम रो वाइज जो हमारा फील्ड तैयार किया गया है उसे पैडी कहा जाता है। सो फर्स्ट पिक्चर पैडी की है, सेकेंड पिक्चर ट्रांसपोर्टेशन की है। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। तुम लोग तो रोज खाना खाते ही हो, खाते हो ना कि नहीं खाते हो? सब लोग खाना खाते हैं। फूड इज असेंशियल, हमारे लिए फूड बहुत ही ज़रूरी है, तो खाना तो सब खाते हो। अगर किसी ने कोई खाने की चीज़ ली ही तो उस खाने की चीज़ में, वो खाने की चीज़ में तुम लोग देखोगे उसका ये सोर्स पता करोगे कि ये कहाँ से आता है।
प्लांट में से आना है, एनिमल में से आता है, या किसी और चीज में से, आकाश में शगीरा तो नहीं है ना, उसके बारे में देखना है। सो प्लांट, एनिमल और कहीं से भी आपको जो सोर्स मिले उसके बारे में। तो हम, मैं थोड़ा एग्जांपल रही हूँ। सो फर्स्ट इज अ इडली, आ हा हा खाने मुंह में पानी आ गया ना। सो इडली में क्या होता है, फर्स्ट इज अ राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। अब फर्स्ट है राइस, राइस कहाँ से आते हैं, प्लांट में से, ऑफकोर्स राइस तो प्लांट में ही आते हैं। उड़द दाल, उड़द दाल के भी प्लांट होते हैं, जो उड़द दाल है वो भी प्लांट होते हैं, उसका मेन सोर्स तो प्लांट ही होता है। देन सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट में से भी नहीं मिलती, ना ही वो मिलती है एनिमल से। कहाँ से मिलती है सॉल्ट, ऑफकोर्स सी में से, जो हमारे ओशंस है, सीज है, उसके अंदर से हमें सॉल्ट मिलती है, तो ओशन। ओके, देन वाटर, वाटर तो अवेलेबल ही हमारे, वो तो हमें ऐसे ही नेचुरल सोर्स में मिलता है। अब चिकन करी दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है, चिकन करी। तो चिकन करी में क्या चाहिए, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड घी चाहिए, एंड वाटर चाहिए। तो पहले चिकन है, चिकन कहाँ से मिलता है, एनिमल में से। कोई भी एनिमल है उसका मीट ले तो उसे चिकन कहेंगे, हमारा जो चिकन है। देन द स्पाइसेस, स्पाइसेस भी कहाँ से आते हैं, जैसे कि हमारी हरी मिर्च है, हल्दी है, ये सारी कहाँ से आती है, प्लांट में से। सारे स्पाइसेस आएंगे प्लांट में से, ऑयल एंड घी। अब ऑयल है वो सारे प्लांट में से आते हैं, कई कई ऑयल है वो एनिमल में से भी आते हैं। अगर हम दूध लें, दूध के अंदर से घी बनाए, दूध को गर्म करें, उसके अंदर से माखन निकाले, उसका घी बनाए, तो दूध की मेन सोर्स क्या होती है, एनिमल। दूध की मेन सोर्स होती है एनिमल। फिर भी तुम लोग, अगर हम तेल ले किसी का, कोई ऑयल ले हमारा, तो उसमें क्या, जैसे कि मूंगफली का, उसमें से मूंगफली में से निकाला हुआ तेल, तो वो क्या मिलेगा, प्लांट है। सो ऑयल एंड घी दोनों में से मिल सकता है, प्लांट एंड एनिमल। देन वाटर, वाटर को पता है। अब आएगा खीर, आप लोगों ने खीर तो चखी है ना, अब खाने की बात ही करते हैं। सो मिल्क, खीर में क्या होता है, मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ मिल्क, एनिमल। देन राइस, प्लांट। एंड देन शुगर, शुगर भी प्लांट में से मिलती है, शुगर कैन होते हैं, उसके अंदर से शुगर बनाई जाती है। सो शुगर कैन एंड प्लांट। सो वी डू, व्हाट टू डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक अ ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एनिमल प्रोवाइड अस विद द मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट एंड एग। काउ डस, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, एनिमल प्रोवाइड अस द मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट ऑफ एग का। गॉट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक अ बटर क्रीम, चीज, कर्ड आर ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सोर्स ऑफ द एनिमल एंड विच कैन बी मिल्क। अब आपको किसी 10 ऐसे नाम लिखने हैं जिसका मेन सोर्स दूध हो। अब दूध में तो ये 4-5 तो दी गए, पनीर है, चीज़ है, मिल्क है, क्रीम है, कंडेंस मिल्क होता है, बटर होता है, बटर मिल्क होता है, कर्ड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में से मिलती है, मिल्क में। इसकी मेन मेन प्रोडक्ट होती है एनिमल्स, एनिमल्स में मिलती है। कई प्रोडक्ट वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स में होती है। सो गोट है, काउ है, उसके अलावा कैमल है, उन सब में से मिल्क मिलता है हमें। सो वो मिल्क बहुत ही रिच होता है, रिच, वो मिल्क रिच एनिमल है, उनमें बहुत सारे मिल्क आते हैं और वो हमें देते हैं। सो हमें मिल्क वहाँ से मिलता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। अब हम जो प्लांट है, पहले तो हमारा प्लांट के बारे में देखेंगे। अभी प्लांट में जो सारे पार्ट है
वो हमें फूड की तरह कैसे यूज करते हैं। प्लांट आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ अवर फूड, विच पार्ट ऑफ प्लांट वी ईट मैनी लीव्स वेजिटेबल, वी कैन वी ईट फ्रूट और सम प्लांट समटाइम्स रूट सेम इवन द फ्लावर हैव यू बीन ईटन पम्पकिन। पहले वॉन्ट्स टू नो इफ यू एनी ऑफ फूड कम फ्रॉम द सोर्स अदर प्लांट एंड एनिमल। आप लोग जब हम प्लांट के बारे में सोचते हैं, मतलब प्लांट कोई भी है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स होते हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स। कभी कभी हम रूट खाते हैं किसी जींस की, जैसे कि हमारे पोटेटोज है वो रूट है। अगर स्टीम खाते हैं किसी चीज़ में, जैसे हमारी तो किसी में लीव्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं जैसे हमारा पान है उसमें हम लीव्स खाते हैं। उसके अलावा कई चीज़ों में जैसे फ्रूट होते हैं, फ्रूट में से कहा होता है फ्रूट हम खाते हैं। सो सारी चीज़ें प्लांट में कई कई चीज़ें एडिबल होती है। कभी कभी तो हम फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि गुलाब है उसके हम गुलकंद बनाते हैं, तो फ्लावर पेटल भी खा सकते हैं। सो कौन कौन से पार्ट कभी कभी एडिबल होते हैं, जो हमारी स्टेम है वो सबसे, स्टेम का सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑनियन। ऑनियन है उसमें स्टीम होता है वो हम खा जाते हैं। फ्लावर डिप इन अ राइस पास एंड ड्राइड। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट, सीड एंड मस्टर्ड प्लांट गिव अस द ऑयल एंड द लीव आर यूज फ्रॉम द वेजिटेबल। अबर देखिए कि हमारे पास बहुत, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही प्लांट का दो तीन चीज़ें हम खा सकते हैं। अगर हम जैसे कि मस्टर्ड सीड जो हमारे रई के दाने होते हैं उसमें से उसके ऑयल निकाला जाता है उसमें से, और बाकी जो लीव्स है वो भी एडिबल है। रई के जो सीड्स है जो उसके फ्रूट कहलाता है सीड्स है, उसमें से क्या मिलता है, तेल मिलता है, हम रई डालते हैं वो, और उसकी जो सारे लीव्स है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ बनाना प्लांट एंड आर फूड। अब हम बनाना प्लांट के कौन सा पार्ट एडिबल करेंगे, बनाना। थिंक द मोर एग्जांपल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ द एग्जांपल। अब जो बनाना है उसकी जो लीव्स है उसे भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, बनाना की ऊपर साउथ के लोग खाते हैं ना, कभी कभी रेसिपी में बनाना को, बनाना के जो लीव्स है उसे रैप करके यूज़ करते हैं। सो बनाना इज यूजफुल, उनके दो पार्ट है वो। ऐसे कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें एक से ज़्यादा हम खा सकते हैं, उसके जो पार्ट है वो हम खा सकते हैं, एडिबल होते हैं, उसके बारे में आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम में बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। नीचे का पहले से हम नीचे से चालू करेंगे। दो टाइप है, पहले तो दो टाइप दिए गए हैं, एक शूट सिस्टम एंड देन रूट सिस्टम। जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, जो जमीन के ऊपर होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। सो रूट एंड शूट। अब पहले रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। पहले तो एक सीड में से एक रूट निकलता है उसे प्राइमरी रूट कहते हैं। अब वो प्राइमरी रूट आगे जाता है, उसके बाद उसमें से स्प्लिट हो जाता है, दो अलग अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिटिंग के बाद जो नई जो दो ब्रांचेस बनी उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। पहले जो सीड में से मेन रूट बना उसे कहते हैं प्राइमरी रूट, एंड देन आगे जाके प्राइमरी रूट स्प्लिट हो जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट, तो रूट सिस्टम। थर्ड वन जो देखा जा रहा है, फ्लावर फ्रूट स्टेम एंड लीव्स। तो पहले फ्लावर दिया है, शूट सिस्टम में फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है एंड लीव्स है। स्टेम जो दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखा रहे हैं, फ्रूट जो बाजू में है वो दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स तो दिखाई दे रहे हैं। देन द इंटर नोड, जो दो जो हमारी स्टेम और लीव्स के बीच एक राउंड जैसी चीज़ है उसे कहते हैं इंटरनोड। हमारा कोई भी प्लांट ले लो उसमें इंटरनोड देखने को मिलेगी। उस इंटरनोड से उसे न्यूट्रिशन मिलते हैं, उस इंटरनोड से हमें पता चलता है कि वहाँ पे
क्या हो रहा है। सो हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। पहले क्या आता है, फूड के सोर्स, कहाँ कहाँ से कौन से फूड मिलते हैं। तीन टाइप के फूड होते हैं। फर्स्ट इज अ, पहले कहाँ होता है, प्लांट एंड एनिमल। हम दो टाइप ही रखते हैं, जो हमारा सॉल्ट वाला है वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें ही एक में आता है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट कहाँ प्लांट में से मिलते हैं या फिर। अब आएगी ये तो फोटो से। अब ये करना है आपको, आपको ऐसी 10 फूड आइटम के नाम लिखने हैं और उनके सोर्स लिखने हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और उसके सोर्स लिखने हैं, इंग्रेडिएंट के सोर्स लिखने हैं। सो फूड आइटम पहले लिखनी है, देन इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, देन सोर्स। जैसे इसमें दिया गया वैसे कौन से इंग्रेडिएंट में प्लांट है, कौन से इंग्रेडिएंट में, ये सारी ये आपको दो एक बार लिखना है, 10 लिखने हैं। आपको जो डिश पसंद हो उसके लिखने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं। अगर आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रोटी लिखोगे और फिर गेहूँ लिख के लिख दोगे प्लांट तो भी चलेगा, बट आपके 10 तो आइटम होने ही चाहिए। कंक्लूजन आता है कि दोनों में से ये होता है कि दोनों में से हम जो खाना बनाते हैं, जो दोनों तरीके से एनिमल में भी से भी और प्लांट में से भी, दोनों की जरूरत है हमें फूड इंग्रेडिएंट के लिए। अब देन मिल्क से बनी प्रोडक्ट कौन सी होती है, मिल्क कौन कौन से जानवर देता है उसके बारे में क्वेश्चन है। एंड देन द पार्ट, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट ऑन फूड। प्लांट आर सोर्स ऑफ द फूड विच प्लांट आर प्लांट्स पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड वी आर मैनी leafy vegetables, we can fruit also plant some time of root and some time, हम कोई भी पार्ट खा सकते हैं। कभी कभी जो हम पार्ट खाए वो हमारी अलग अलग जो हमारी ट्रीज है उसके बारे में अलग अलग होता है। जो हमारे ग्रोथ है, जो हमारा प्लांट है, उसमें जो प्लांट चेंज हो जाएगा तो उसमें कौन सा एडिबल पार्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि हम एक ले बनियन ट्री एंड एक ले मैंगो ट्री। अब बनियन ट्री में क्या आता है, शूट एंड रूट और वो सब आता है, एंड जो हमारा मैंगो ट्री है उसमें मैंगो आता है। अगर बनियन ट्री है उसके जो फ्रूट्स है हम खा नहीं सकते, बट मैंगो के फ्रूट हम खा सकते हैं। सो जो प्लांट है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि फ्रूट मिलता है नहीं, फ्लावर एंड कभी कभी फ्लावर भी खा लेते हैं, एंड देन एडिबल प्लांट एंड नॉन एडिबल प्लांट। जो हमारे रूट सिस्टम में कौन से दो आते हैं, शूट सिस्टम में कौन से दो आते हैं उसके बारे में जो हमने डायग्राम देखा है। अब आगे जो है उसके बारे में हम अगले चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए आपको वो 10 लिख के देने ही हैं, होमवर्क में सारे के सारे आंसर लिख के देने हैं। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और होमवर्क करना ही है।